ये वो सब लोग हैं जो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया था मैं बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम कवावा। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने मेहनत की दिन रात। चंद्रशेखर आजाद अपने हुए हमले पर एक विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं, बड़ी भीड़ है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी है। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक से भी और नेताओं से भी, कामयाब मानते हैं रैली? ये रैली तब कामयाब होगी जिस लक्ष्य के लिए हम लोग यहाँ आए, जब यहाँ बहन बेटियां इस उसमें सुरक्षित हो जाएंगी तभी ये रैली कामयाब होगी। जब देश में बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलेगा, उनके साथ होने वाला जुल्म जाति बंद हो जाएगी, जो दलितों शोषितों के साथ जो अन्याय बंद हो जाएगा, तभी जाके इस रैली को सफल माना जाएगा। दर्जनों विधायक, दर्जनों सांसद आपके पास पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके का समर्थन, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से दर्जनों विधायक, दर्जनों सांसद पहुंचे हैं? देखिए, ये सब लोग जो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, ये वो सब लोग हैं जो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह का अन्याय सरकार के संरक्षण में हो रहा है, आज नहीं तो कल देश जो है उस अन्याय के खिलाफ खड़ा ही होगा, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था देश। कुछ लोग जगाने वाले चाहिए, जिनको खुद मिटना पड़ेगा तब देश जागेगा। आज हम लोग उसी कड़ी में हैं और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो ये तय करके बैठे हैं कि हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया था मैं बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम कवावा। तो मेरे ये याद है कि जो आज अपने आप को सत्ता के संरक्षण में बाज समझ बैठे हैं, हम चिड़िया उनको जवाब देंगे। अच्छा, आप कुछ है नहीं अभी, ना विधायक है ना सांसद है, लेकिन इतना समर्थन हासिल है तो क्या लग रहा है क्या कि एक नई पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत है ये जनता? नहीं, पॉलिटिकल चैप्टर की नहीं, ये संघर्ष का सम्मान है, ये संघर्ष को बल है, ये संघर्ष की हिम्मत है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने मेहनत की दिन रात, उन्होंने गांव गांव जाकर संगठन बनाया, ये उनके उनकी देन है और मैं जो कुछ हूँ वो इनसे हूँ। आज एक एमपी एमएलए की बात ना सुनी जाए, लेकिन सुनी जाती है हमारी, इसलिए क्योंकि हम पे जनता है और ये लोकतंत्र, जनता जिसके साथ होगी वही नेता होगा, वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और यही चीज यहाँ पर जो लोगों का की भीड़ जो इकट्ठा हुई है वो भी यही बताती है। हम दिखाएंगे, मृदुल मोहन जो हमारे कैमरामैन है वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो समर्थन है वो इसके पीछे गवाही दे रहा है कि निश्चित तौर पर सांसद विधायकों की बात सुनी जाए ना जाए, लेकिन चंद्रशेखर यहाँ पर संसद के ठीक पास से आवाज बुलंद कर रहे हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ कुमार चुनार।